मैं राइट नाउ हूँ मेरे गांव में जिसका नाम है चमारू एंड इट्स इन द डिस्ट्रिक्ट सरायकेला खरसवा एंड यहाँ पे चल रहा है फेस्टिवल जो कि हम लोगों का गांव का मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल होता है। व्हाट्स अप गाइस, मैं विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फूडी ओ यस। सो बस शॉर्ट में समझाने के लिए, ये जो मेरे पीछे जो मंदिर है, इस मंदिर का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रहा है। 3 दिन का फेस्टिवल होता है। सो यस्टरडे, कल बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसकी वजह से मैंने शूट नहीं किया। कल एक्चुअली होता है कि कुछ लोग हैं जिनको भक्ताज बोला जाता है, जो भक्त लोग होते हैं, कल बेसिकली हम लोग वो लोगों को फलाहार कराते हैं, लाइक द फ्रूट्स खिलाते हैं। मैं भी बाद में खाया था, आई विल शो यू। दिस इज व्हाट इज बेसिकली सर्वड इन एवरी प्लेट। एंड देन फलाहार के बाद वो लोग नहाते हैं, फास्ट करते हैं। एंड फिर आज शाम को वो लोग 4 बजे नहाने के बाद अभी ये मंदिर में लाइन लगाए हैं पूजा देने के लिए। So, वहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हो वो भक्ताज का लाइन है और यहाँ पे जो यहाँ पे रेसिडेंट्स है, जो लोग जो लेडीज लोग हैं, वो लोग पूजा करती है तो यहाँ जाते हैं। अंदर मेरे को पता है खचाखच भीड़ होगा और बहुत गंदा गर्मी होगा। जस्ट फॉर अ नोट, ये जो मेला है ये 2 साल बाद लग रहा है, 2 साल, क्योंकि कोरोना के वजह से गैदरिंग्स अलाउड नहीं था। तो हम लोग भी डिसाइड किए नॉर्मल पूजा पाठ होगा, इतना भीड़ भाड़ नहीं होगा गैदरिंग। एंड आप देखेंगे जैसे जैसे अंधेरा बढ़ते जाएगा भीड़ भी बढ़ते जाएगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। बस यहाँ पे जो हो रहा है पूजा कर लिए भक्त लोग, अभी भक्त लोग ऑलमोस्ट हट गए। देखिए अब दे आर डूइंग दिस रिचुअल जो वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे सारे भक्त के पास यू नो एक डंडा होता है, तो वो सारे डंडों को वो लोग मिला देते हैं एक लाइन में एंड देन दे कीप डूइंग दिस। ऐसे मंदिर के चारों तरफ वो घूमेंगे एंड एवरीवन इज चांटिंग हर हर महादेव। नाउ यू कैन सी दे आर डूइंग दिस अदर थिंग दे डू एवरी ईयर। बोला सब कोई अपना स्टिक्स एक दूसरे के स्टिक्स पे हिट करते हैं इन द एयर। एंड यू कैन सी नीचे में जो भक्ताज लोग हैं, उनके फैमिली लोग नीचे आए हुए हैं उनके लिए, क्योंकि दे हैव बीन फास्टिंग एंड लाइक जो फैमिली वाले वो लोग उनके लिए खाना लाते हैं। आई डोंट नो मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं, बिकॉज सबको ये लाइक हर हर महादेव का चांट किया हुआ है, लाइक दे आर ऑल भक्त ऑफ लॉर्ड शिवा। एंड धीरे धीरे सबको ऐसे रोशनी से अंधेरे में शिफ्ट हो रहे हैं। सो आप जो अंदर ये देख रहे इतना सारा जो दिया लगा हुआ है, तो जो लोग पूजा करने आते हैं सबको यहाँ पे लाइक से अपना दिया लगाते हैं एंड फिर वो लोग आते हैं बीच में एक बार देखने की दिया में अगर घी या तेल खत्म हो गया, ज़्यादातर घी होता है, तो घी अगर खत्म हो गया, तेल अगर खत्म हो गया तो उसको फिर से वो लोग डाल देते हैं। तो लाइक अंदर इतना सारा वो लोग लगाते हैं कि अभी तो फिर भी बहुत कम है। आई हैव सीन मोर देन दिस, लाइक ये पूरा जगह में पूरा जलते रहता है। एंड सिर्फ अंदर नहीं बाहर में भी लगाया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। गर्मी से फिलहाल हालत बहुत खराब है, चारों तरफ बहुत ज्यादा आवाज है, जनरेटर चल रहा है, गाना बज रहा है। बट सीधे यहाँ जो मेरे पीछे मंदिर है जो मैंने दिखाया था, सो ये मंदिर और उसके जस्ट सामने यहाँ पे पंडाल लगाया है। यहाँ पे होगा छाऊ डांस, जब डांस होगा आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड एंड शो यू। एंड आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे नगाड़ा और ढोल है और यहाँ पे हो रहा होगा डांस। और ये जो चारों तरफ जो है यहाँ पे लोग ऐसे बैठे रहते हैं। Hey guys, I just got freshen up and yesterday night was really hectic. एक तो यहाँ पे लोग रहते नहीं है, जो मेरे सबसे छोटे चाचा है उनके फैमिली यहाँ रहते हैं एंड इस फेस्टिवल के वक्त सारे फैमिलीज आ जाते हैं और मेरे पापा लोग लिटरली 4 भाई 3 बहन है।
तो सबको याद आता है भाई सोने का जगह कहाँ से होगा, तो स्कैवेंज करना पड़ता है सोने का जगह। सो कल छत में मेरे को एक जगह खाली मिल गया, हम सो गए। एंड आई विल जस्ट शो यू क्या हो रहा है अभी। सो वो जगह है जहाँ पे कल रात को छाव डांस हो रहा था, आप लोग देखे है। एंड वहाँ पे अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि भक्ताज लोग जब 3 डेज का उपवास वाला चीज स्टार्ट करते तो एक धागा बांधा जाता है। सो वो धागा अभी तोड़ेंगे तो उनका पूजा कंप्लीट होगा। अभी वो लोग धागा तुड़वा रहे हैं पंडित से, और ये राम मंदिर। एंड जिसका जैसा मन्नत होता है, जैसे बहुत लोगों का होता है जिसको बोलते हैं दोंडी काट के आना, बेसिकली नहा के, एंड दे नीड टू जस्ट डू दिस थिंग, दे नीड टू कवर द फुल स्टेप्स बाय स्लीपिंग। देखो वो वहां पे लाई डाउन की और एक बंदा वहां पे लकीर की खींचा, तो अब वो उठ के वो उस लाइन से फिर से लेटेगी। ऐसे कर करके वो जहां भी नहाई, लाइक अगर वो पॉन्ड में नहाई तो पॉन्ड से, रिवर में नहाई तो रिवर से, उसको ऐसे मंदिर तक आना और पूजा करना है। सो अभी पहले ये सब जो ये भीड़ पूरा शिफ्ट हो जाएगा धीरे धीरे उस जगह में, बिकॉज वहां पे होगा फाइनल थिंग ऑफ द पूजा। एंड जब तक वो हो जाए मैं पहले जाके ब्रेकफास्ट कर लेता, बिकॉज आई जस्ट रियलाइज कि आपको खाने का तो कुछ कंटेंट दिखाए नहीं, और खाना नहीं दिखाएंगे तो कैसे चलेगा फूड ब्लॉगर का। सो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द देसीएस्ट थिंग दैट यू कैन हैव इन माय विलेज, दिस इज मूढ़ी एंड घुगनी। तो जो मूढ़ी और घुगनी तो उसको पूरा मिक्स कर लिया, एंड द बेस्ट थिंग जो आप इसके साथ खा सकते हो इज प्याज। ओके सो मैं ये मूढ़ी घुगनी कंप्लीट करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। यहाँ पे वैसे कल रात को टैटू बना रहा था, नॉट दिस काइंड ऑफ टैटू, वो सस्ता वाला जो होता है। लाइक आई सॉ कि एक बंदा 2 टैटू बनाए, उसको 200 रुपया जैसा लगा, और मेरे को ये बनाने में 800 लगा था 4-5 साल पहले। और भीड़ देख रहे हो आप, अभी भी लोग आ रहे हैं बिकॉज अभी तक ये फेस्टिवल का मेन जो है चीज़ वो अभी भी लाइक द मोस्ट अवेटेड थिंग ऑफ दिस इज स्टिल वेटिंग। मैं आपको बताता हूँ क्या, पहले आपको दिखा देता हूँ मेला में क्या क्या है। यहाँ पे देखिए पकौड़ीज तल रहे हैं, पापड़ वापड़ है, बहुत कुछ है खाने का। अगर आपको खाना है तो आप घर में खा लीजिए, क्योंकि आप जब तक वीडियो देखेगा मेला खत्म हो गया होगा। क्या लेना तेरे को, दूटो दी दो बेटा। तो यहाँ मेरी बहन तो गौजा ली है, तो एक हम ले लेते हैं। ये रहा गौजा, और वो जो जगह आप देख रहे हैं कल रात को वहाँ पे ड्रामा हो रहा था। आप देखिए यहाँ पे जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, यहाँ पे सबके ऊपर में चढ़े हुए हैं बिकॉज वही जो लास्ट थिंग है वो देखने के लिए। अभी बज गए 10 एंड बाहर बहुत गंदा वाला धूप है, बट स्टिल आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। दे आर ऑल वेटिंग फॉर द फाइनल चीज़ जो इस पूजा में होता है। मैंने बताया कि सबको मन्नत वन्नत लेते हैं, जो मन्नत पूरा होता है वो लोग जो स्टफ का मन्नत मांगते हैं वो सब पूरा हम वो लोग करते हैं। जैसे हम दिखाएं दंडी काट रहा था, फिर कुछ लोगों का होता है अंगारों में चलना, वो फायर वॉक। एंड सबसे बड़ा चीज़ होता है ये, जिसको बोलते हैं भोक्ता पूड़ा। तो इसमें जिसका मन्नत पूरा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पीठ में एक हुक डाल के फिर वो लोगों को ये ऊपर यहाँ पे उनको बांध दिया जाता है, एंड दे कीप डांसिंग लाइक दिस। आई विल शो यू, ये जो सेटअप है ये हर साल का सेटअप है, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग। जो भक्ता होता है वो ऐसे ऊपर चढ़ता है, एंड देन वहाँ पे उसको स्टिक के मिडिल से थोड़ा दूर में बांधा जाता है, एंड दोनों साइड्स में, इस साइड में देखो रस्सी बांधा हुआ है, एंड इस साइड में भी रस्सी बांधा हुआ है, एंड दैट इज बीइंग हेल्ड बाय, ये तो सब मेरे कजन्स हैं। एंड ये चीज देखने के लिए आप देख रहे कितना ज्यादा भीड़ आया हुआ है, ऊपर में भी लोग हैं। भैया बैठे हुए हैं, ये वो भक्ता बनने वाले हैं, तो अभी उनके पैर में घुंघरू बांध दिया जा रहा है, बिकॉज वो लोग ऐसे ऊपर में जब लटके होंगे वो लोग अपना पैर हिलाते हैं तो ऐसे घुंघरू बचता है। देखिए ये जो बंदा, ये पहले सबसे पहले था ऊपर, एंड इसके पीठ में देखिए वो तो पहले घूम तो जाए, इसका हुक अभी भी लगा हुआ है ना, इज लाइक क्रेजी डांसिंग। जो सेकंड बंदा था वो ऊपर पहुंच गया है, उसको अभी बांधा जा रहा है। एंड ये ऊपर जो सेकंड वाला बंदा जिसका हुकिंग हम दिखाया वो उसको अभी ऊपर लिया गया है, दोनों तरफ से घुमाया जा रहा है। एंड उसके हाथ में देखिएगा एक प्लास्टिक है, उसमें लड्डूज है, वैसे घूमते घूमते ऊपर से लड्डूज फेंकेंगे, और यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं ये सारे जो बच्चे हैं सब वो लड्डू के लिए आए हुए हैं।
वहाँ ऊपर वो घूम रहा है और यहाँ पे ये बंदा अपना बुकिंग करवा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे कजिन लोग हैं, ये लोग घुमा रहे हैं उसको। आई जस्ट गो सामने, देखते हैं अगर बुकिंग मेरे को दिख सके तो। सो बुक डालने से पहले वहाँ पे ऐसे साइन दे दिया जाता है कि अच्छा यहीं पे बुक डालना है। तो एक तरफ का हुक हो गया, अब दूसरा तरफ किया जाएगा। यहाँ से हम चलते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। सो मैं वापस घर आ गया बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी था वहाँ पे। एंड सिर्फ गर्मी का बात नहीं, गर्मी तो फिर भी हम झेल सकते, पसीना वसीना निकले फिर भी झेल लेते, बट मेरा जो ये फोन है माइक का फोन है प्लस ओवर हीट हो जाता है। लास्ट मैंने वीडियो बस शुरू ही किया एंड 2 सेकंड रिकॉर्ड किया एंड फिर ओवर हीट की वजह से फोन बंद हो गया। सो घर में लंच बन रहा है अभी, यहाँ पे आज मटन बनता है, चिकन बनता है। गांव में ऑफकोर्स किचन भी है लेकिन जब इतना ज्यादा लोग होते हैं। सो यहाँ पे अभी बन रहा है मटन, हम फोन को ज्यादा पास नहीं ले जा सकते। आई कैन जस्ट डू लाइक दिस जूम, थोड़ा कुछ दिख तो खास नहीं रहा है, ऐसे उबल रहा है अभी ग्रेवी। जब लंच हम लोग करेंगे तब आपको दिखाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे मटन करी बन रहा है एकदम देसी स्टाइल में, जो देहाती मटन करी होता है। ये जो लकड़ी जला के जो खाना पकाया जाता है, दिस गिव्स अमेजिंग फ्लेवर टू जो भी खाना पकता है, बिकॉज जो स्मोक उठ रहा है स्मोक टेस्ट के साथ ब्लेंड हो जाता है और क्या गजब टेस्ट होता है। एंड ये देखिए मटन करी ऐसे सर्व हो गया है।